डिपार्टमेंट मुर्दाबाद वी वन जस्टिस वी वन जस्टिस रिलीज करो स्कॉलरशिप रिलीज करो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद अफेयर्स डिपार्टमेंट होश में आओ होश में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होश में आओ होश में आओ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होश में आओ होश में आओ। देखिए जैसे कि आपको पता है कि पिछले दो महीने से लगातार हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि जो शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप वक्त पर रिलीज नहीं हुई। बहुत लंबा अरसा हो चुका था कि स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हो रही थी। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, इसके लिए प्रोटेस्ट किए, इसके लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। उसके बाद जाकर अब जब दो दिन पहले स्कॉलरशिप रिलीज हुई तो वो भी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा आधा अधूरा काम हुआ। बल्कि इन स्टूडेंट्स जो एसटी के स्टूडेंट्स हैं तकरीबन जो स्टूडेंट सोर्स से पता चला है 1800 जम्मू कश्मीर के एसटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई है। और अगर मैं मेंडर कॉलेज की बात करूं तो यहां पे एसटी के 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत गरीब हैं इन स्कॉलरशिप्स पे। स्टूडेंट कम्युनिटी तो आपको पता है वैसे भी गरीब होती है मगर हकीकत में भी जो अपनी फैमिली से भी बहुत लोग गरीब हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट हैं अपनी बुक्स लेने के लिए अपने एक्सपेंडिचर के लिए बाकी अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द क्या वजूहत हैं क्या रीजंस हैं कि इन बच्चों की जो है स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई है बल्कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे यहां से चले गए हैं इनकी सब हमने छानबीन कर ली है इनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जल्द से जल्द जो है इन स्टूडेंट्स के इस इशू को सॉल्व करे क्या रीजन है क्या वजूहत हैं उसके लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले और जो बाकी बचे हुए अगर कुछ देरी हो रही है तो जल्द से जल्द जो है इनकी स्कॉलरशिप रिलीज की जाए। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुजारिश करूंगा मनोज सिन्हा जी से कि इन बच्चों के साथ इंसाफी करें। उसके साथ साथ मैं एक पैगाम उन सोशल एक्टिविस्ट और जो ये लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं पता नहीं क्यों ये बात है कि आप पहाड़ी को लेकर आप एसटी को लेकर आप इलेक्शंस में हमेशा यही मुद्दे उठाते हैं। आप इलेक्शंस में लेकर पहाड़ी एसटी को लड़ाकर इलेक्शंस लड़ते हैं आप इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं मगर जब इश्यूज की बात आती है जब इनके मुद्दों की बात आती है इनके हक की बात आती है इनके इंसाफ की बात आती है तो आपकी जुबानें जो है उन पे ताले लग जाते हैं। आप इनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है आप इनकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो जो लोग जिन जिन लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी है जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मकाम दिया है पॉलिटिकली हो सोशल एक्टिविज्म में हो वो लोग भी इनके लिए आवाज उठाएं और हम ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनके साथ इंसाफ किया जाए इनकी स्कॉलरशिप जो है रिलीज की जाए। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर तमाम एसटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुई तो आज तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं हम लोग इकट्ठे हुए कि हम एक मीडिया तक इस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाएं। अगर इस तरीके का काम होता है हम कोविड के चलते कुछ करना नहीं चाहते मगर अगर मजबूर किया जाएगा तो हम जो है वो प्रदर्शन करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे और रोड्स पर उतरेंगे। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होगा और जाहिर सी बात है ये हुकूमत होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होगा। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद वी वन जस्टिस वी वन जस्टिस रिलीज करो स्कॉलरशिप रिलीज करो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट मुर्दाबाद अफेयर्स डिपार्टमेंट होश में आओ होश ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होश में आओ होश में आओ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट होश में आओ होश में आओ।